हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे पैकपर का हमारे एक नए पैटर्न पे हमने एक ये लॉजिस्टिक डिलीवरी बैग बनाया है, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये पैकपर का लॉजिस्टिक डिलीवरी बैग है जिसका जो डायमेंशन है वो 20 इंचेस का फ्रंट है एंड 28 इंचेस की हाइट है एंड 15 इंचेस का इसका विड्थ है। ठीक है, साइड में हमने जो इसके पोर्शन दिया हुआ है उसमें ये एडजस्टमेंट के लिए बेल्ट दी हुई है ताकि आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक्सपेंड और कंप्रेस और एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें एक बॉटल होल्डर दिया हुआ है ताकि राइडर अपनी बॉटल से अदर आइटम्स कुछ कैरी करना चाहे तो उसके लिए। एंड फ्रंट साइड में जो दिखाऊं तो आपको इसमें फ्रंट साइड में इसके लोगो पुट करने के लिए हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं। जनरली हमने कंप्लीट सील किया हुआ है, ब्रांडिंग किया हुआ है किसी कंपनी का, बट इसमें नीचे से ओपनेबल आता है जो कि आपको अदर जैसे आउटर इन्वायरमेंट से इसको सेव करता है। सो आप इसमें अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपने ब्रांडिंग के लिए लोगो डाल सकते हैं। अदर साइड में इसके सेम बैग के अदर साइड में आपको एक पॉकेट मिलता है। जनरली इसको यूज़ करके दिखाऊँ तो ये पॉकेट होता है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या कुछ अदर आइटम्स रख सकते हैं। बैक साइड में इसके मेजर हमारा जो मेन कंसर्न होता है बैक साइड से कि कितना कंफर्टेबल है, कितना मजबूत है हमारा बैकपैक, उस पर डिपेंड करता है। सो हमारे जो बैकपैक्स बने होते हैं काफ़ी कुशन बने होते हैं, मतलब अच्छा खासा कुशन होते हैं। ये एडजस्टेबल बेल्ट दी होती है इसमें, इसको कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे किसी की हाइट अच्छी लंबी है, जैसे कि मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, इसमें उसके नीड के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली एक हैवी ड्यूटी बेल्ट पे स्टिच्ड होता है एंड जनरली इसके बैकपैक में अगर आप देखें तो इसकी मजबूती इस तरीके से होती है कि ये बिल्कुल ही इसके ऊपर रख के सिला होता है ताकि ये बिल्कुल ही मजबूत हो जाए एंड ये अपना अच्छा खासा वेट उठा सके और उसमें ये स्टिचिंग से उस पर कोई जोर नहीं पड़ता। देन उसके बाद आता है बैकपैक बैक साइड में, जो ड्राइवर का बैक होता है यानी उसके कमर्स का जो पोर्शन होता है उसमें ये कुशन वाला हमने बैकपैक बेल्ट दिया हुआ है जो कि एडजस्टेबल है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। राइट, सो ये आपका एक बकल के थ्रू एडजस्ट होता है एंड आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी हेल्थ है, उसके अकॉर्डिंग राइडर अपना एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, देन आप इसको आपका टॉप भी दिखाता हूँ। जनरली हमने बकल दिए हुए हैं, ये इसलिए दिया हुआ है ताकि बारिश का पानी जो है इसके अंदर स्प्लिट ना हो। ये इस तरीके से इसकी ओपनिंग है, काफ़ी अच्छी चेन के थ्रू हमने इसकी ओपनिंग दिया हुआ है जिससे कि इसका जो बड़े साइजेस के अगर कुछ पैकेट्स होते हैं तो वो इसके अंदर जनरली डिलीवर हो सकते हैं। ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ कह सकते हैं आप इसको, बट हम लोग इसको जनरली वाटर रेजिस्टेंट कहते हैं क्योंकि स्टिचिंग होने के बाद इसमें पोर्स हो जाते हैं तो ये एक तरीके से एक्चुअली में ये वाटर रेजिस्टेंट रह जाता है। मैं आपको इसको हैंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये जैसे कि इस तरीके से अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली हैंग हो जाता है और काफ़ी कुशन है, मतलब अच्छा खासा कंफर्टेबल रहेगा राइडर जो है आपका। एंड ये इस तरीके से आप ये वाला बैग देख सकते हैं एंड इसी में हमारा एक और वेरिएंट आता है जो कि एक्सपेंडेबल हाइट में आता है। उसका फ्लैप का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है जो कि एक्सपेंडेबल हाइट में आता है एंड आप ऊपर दिए गए लिंक में इस वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। सो ये हमारा पैकपर का लॉजिस्टिक डिलीवरी बैग। थैंक यू सो मच।